लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होगी वोटिंग। 102 सीटों पर होगा मतदान। सभी सीटों पर 1625 उम्मीदवार मैदान में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने मुंबई में मछुआरों की नाव से जब्त किए 11,46,000 रुपए। नाविकों के पास नहीं थी मछलियां पकड़ने की इजाजत। चालू वित्त वर्ष में 8% से ऊपर रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। उद्योग संगठन ने कहा देश की विकास दर अगले 23 साल तक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होने का अनुमान। भारत से दुबई की सभी उड़ानें भारी बारिश के कारण रद्द। एयर इंडिया की 72 उड़ानों सहित देश के विभिन्न जगहों से दुबई के लिए जाने वाली उड़ानें आगामी समय के लिए रहेंगी बाधित। पेटीएम से फिर यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे उपभोक्ता। कंपनी की एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और यस बैंक से हुई पार्टनरशिप। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला। हमले में यूक्रेन के 17 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान में बारिश का कहर जारी। 4 दिनों में 63 लोगों ने गवाई जान। आपदा प्रबंधन के मुख्य प्रवक्ता खुर्शीद अनवर ने बताया भारी बारिश के कारण इमारतें गिरने से 32 अतिरिक्त लोगों ने गवाई जान। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में मिली है हार। धनुष ने अपनी आगामी फिल्म कुबेरा का पोस्टर किया रिलीज। पोस्टर रिलीज के बाद लोगों में फिल्म को लेकर देखा जा रहा भारी उत्साह।